शरीर पर पहले खंजर घोंप दिया सीने पर, इसके बाद उसको कारपेट में लपेटा और आग लगा दी। टेन सीटा बाफा किया था। उस डॉक्टर की पत्नी के ऊपर गई और बोली कि इस केस से जुड़े जितने लोग थे सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक कहानी और चर्चा करने वाले हैं जिस कहानी का टाइटल भूत की गवाही पर पकड़ा गया हत्यारा, फिर मिली 20 साल की सजा उस हत्यारे को। दोस्तों, कुछ घटनाएं कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, ना ही कानून में उनके लिए कोई जगह होती है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि कानून को भी उनको जगह देना पड़ती है। आज हम एक ऐसे ही घटना पर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए उस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये घटना है अमेरिका के शिकागो शहर की। फिलीपींस की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम टेरेसिटा बासा है। ये अपनी स्कूली पढ़ाई फिलीपींस से करती है, इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहती है। अपने घर वालों से बात करती है बाहर जाने के लिए, घर वाले राजी हो जाते हैं, तो ये उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के शिकागो शहर जाती है। वहाँ से ये म्यूजिक की मास्टर्स की डिग्री हासिल करती है। इतना करने के बाद ये वहीं पर कोचिंग वगैरह देने लगती है। फिर इससे इसका मन नहीं भरा तो इसने और कुछ करने के लिए सोचा। फिर इसने मेडिकल की पढ़ाई की और मेडिकल में एक्सपर्ट थेरेपिस्ट की डिग्री हासिल की और वहीं शिकागो शहर में ही किसी अस्पताल में हॉस्पिटल में काम करने लगी। उस समय इसकी उम्र 47 साल के लगभग हो चुकी थी। एक दिन हुआ क्या कि ये अपने एक दोस्त पुरुष दोस्त से, उसका नाम रूथ राय, उससे फ़ोन पर बात कर रही थी। अब फ़ोन पर बात करते करते बोली कि मेरा गेस्ट आने वाला है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ाम कर लूँ और मैं फ़ोन कट करती हूँ, और उसने फ़ोन कट कर दिया। उसके फ़ोन कट करने के एक घंटे बाद ही जिस अपार्टमेंट में टेरेसिटा बासा रहती थी वहीं पर अचानक से आग निकलने लगी। जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ से धुआं ही धुआं निकलने लगा, तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने सिक्योरिटी को अलर्ट किया। सिक्योरिटी वाले ने फायर ब्रिगेड बुलाया, फायर ब्रिगेड आकर उस आग को कंट्रोल किया। आग कंट्रोल करने के बाद जहाँ पर टेरेसिटा बासा रहती थी उस फ्लैट में गए। वहाँ पर जाने के बाद जब आग कंट्रोल हो गई, काबू में आ गई, तो उन्होंने देखा कारपेट से धुआं निकल रहा है, तो उन्होंने कारपेट को हटाया जब कारपेट को, तो उसमें देखा कि एक लड़की लिपटी हुई है, आधा शरीर उसका जला हुआ है। देखा कि उसके शरीर में कपड़े नहीं है, तो उनको पहली नज़र में लगा कि कोई रेप का बलात्कार का मामला है, तो उन्होंने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में भेजने के बाद देखा कि जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि इसका रेप बलात्कार कुछ हुआ ही नहीं है, तो सभी लोग चौंकने हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उन लोगों ने उसके घर की तलाशी भी ली टेरेसिटा बासा की, तो वहाँ पर एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी पर लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर AES। अब वहाँ की पुलिस जो थी उसने पता किया कि AES कौन है, जहाँ पर ये पियानो सिखाती थी टेरेसिटा बासा, तो वहाँ पर ही पता किया बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि आज तक तो ऐसा नाम कोई व्यक्ति हमें पता नहीं चला। धीरे धीरे ये केस शांत होता गया, दिन बीते महीने बीते साल गुजरा और इस केस को शांत कर दिया वहाँ की पुलिस ने। जब शांत कर दिया तो अचानक इस केस के जो डिटेक्टिव थे वो थे जोसेफ स्टैचुला। अचानक वो एक दिन अपने दफ्तर में बैठे थे तो अचानक उनकी जो केबिन थी उस पर एक नोट पड़ा था। उन्होंने वो नोट देखा, उसमें लिखा था कि टेरेसिटा बासा के केस की गवाही के रूम में एक आदमी आया है जो गवाही देना चाहता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर पता किया तो वहाँ पर एक डॉक्टर इनको मिला। उस डॉक्टर ने बताया कि मेरी पत्नी है, वो रात में अचानक बड़बड़ाने लगती है। पत्नी तो मेरी है लेकिन आवाज़ किसी और की है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। वो कह रही थी कि मेरी मदद करो, मेरा खून हुआ है, मेरा हत्या की गई, मेरा मर्डर किया गया है, और ये मर्डर करने वाला व्यक्ति का नाम एलन सौरी है। तो उसने कहा कि पहले दिन जब इतनी बात बताई तो मैंने सोचा मेरी बीवी है, ऐसे ही होगा कुछ, तो मैंने कुछ नहीं किया। बोला कि वो डॉक्टर बोला कि दूसरे दिन रात को वो आई आत्मा, और इस बार बहुत गुस्से में थी, बोली कि हमने तो आपसे मदद मांगी थी, आपने मदद नहीं किया, हमारी मदद करो वरना आपको परिणाम बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। और उसने बताया कि ये मर्डर करने वाला व्यक्ति एलन सौरी है, इसने ये मेरे घर TV सही करने आया था एलन सौरी, और ये अचानक से मेरी हत्या कर देता, मेरे शरीर पर खंजर घोंपता सीने पर, इसके बाद मुझे कारपेट में लपेट देता और आग लगाकर भाग जाता है।
पुलिस भी हैरान और जो ये डिटेक्टिव थे ये भी हैरान कि ये कैसा। इन्होंने पता किया जो एएस मिला था गेट थ्री टिकट फॉर एएस, इसके हिसाब से एएस का मतलब एला सॉरी सोसाइल। इन्होंने पता करना शुरू किया, उस केस की खोजबीन शुरू की। जब ये पता किया कि एलन सॉरी कौन है, फिर वहाँ पर गए इसकी फ्लैट में कि 21 फरवरी 1977 के दिन का ये केस था। तो इन्होंने टेरेसिटा बासा के फ्लैट में जाकर पता किया अपार्टमेंट में कि क्या सच में उस दिन टीवी ख़राब थी। तो पता चला कि उस दिन सच में टीवी ख़राब थी, तो इनका शक और गहराया। ये एलन सॉरी के पास गए तो उसने बताया, उसने कुछ नहीं बताया। और ये जो आत्मा थी उस डॉक्टर की पत्नी के शरीर में जो आई थी, इसने बताया कि जो एलन सॉरी है ये हमारी ज्वेलरी भी लूट कर ले गया, अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है। और उस डॉक्टर को टेस्ट पासा की आत्मा ने कुछ नंबर भी लिखाए थे और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी बताया था कि ये कहाँ ज्वेलरी दिया है। अब पुलिस हैरान, करे तो क्या करे। अब पुलिस एलन सॉरी के पास जाती है, पूछती कि आपको गर्लफ्रेंड है, तो बताती है एलन सॉरी बताता है कि हाँ मेरे कोई गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड को पता लिया, वहाँ पर गए एलन सॉरी गर्लफ्रेंड के पास, उससे पूछा कि आपको एलन सॉरी ने अभी कुछ हाल ही में कोई ज्वेलरी गिफ्ट किया है। वो बोलती हाँ, जब ज्वेलरी देखा, अब ज्वेलरी को वेरीफाई करना था तो टेरेसिटा बासा कुछ परिवार सदस्यों को लेकर गए थे और मित्रों को लेकर गए थे पुलिस वाले। उनसे पूछा तो पहचान गए कि हाँ ज्वेलरी तो टेरेसिटा बासा की है। इन सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने एलन सॉरी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब एलन सॉरी का कोर्ट में केस चला तो उसके वकील ने दलील रखी कि उस समय जब एलन सॉरी ने ज्वेलरी चुराई थी उस समय तक टेरेसिटा बासा जिंदा थी और उसको जिंदा छोड़कर आया था। इस पर एलन सॉरी पर चोरी का तो इल्ज़ाम लगा सकते हो लेकिन मर्डर का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर भी पुलिस करे तो क्या करे, यहाँ से एलन सॉरी छूट गया। एलन सॉरी छूट गया तो किस इस केस को कुछ दिन व्यतीत हुए। फिर एक दिन टेरेसिटा बासा क्या था उस डॉक्टर की पत्नी के ऊपर गई और बोली कि आपसे मैंने मदद मांगी थी, आपने मेरी मदद नहीं की और उसको छुड़वा लिया। तो डॉक्टर बोला हमने किया तो सब कुछ, लेकिन क्या करें, सबूतों के आधार पर कानून मानता नहीं है ये सब सारे सबूत, हम करें तो क्या करें। वो छूट गया। तो अब जो टेरेसिटा बासा की आत्मा थी ये इस केस से जुड़े जितने लोग थे सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। तो फिर से इस केस की खोजबीन शुरू हुई और इस बार जो केस के डिटेक्टिव थे और पुलिस वाले थे इन्होंने सोचा कि जब इतना सब कुछ सही निकल रहा है तो हत्या का मामला भी इसी के ऊपर रख दिया जाए। तो इन लोगों ने हत्या का मामला भी एलन सॉरी के ऊपर रख दिया। फिर कोर्ट में बहस चली, केस हुआ, बहस हुई, जज लोगों की बेंच में बैठ गई क्योंकि एक आत्मा की गवाही कानून मानता नहीं है, कानून में इसके लिए कोई जगह भी नहीं है। तब कानून करे तो क्या करे। तो इस बार फिर से एलन सॉरी को रिहा कर दिया गया। अब एलन सॉरी को जेल से आज़ाद ही करना था। तभी एलन सॉरी अचानक से बदल जाता है और उसके जितने वकील थे डिटेक्टिव थे कोर्ट में खड़े थे सभी के सामने चिल्ला कर कहने लगता है कि हाँ मैंने टेरेसिटा बासा का मर्डर किया है। अब पता किया गया कि ये क्यों किया है, कैसे किया है। तो उसने बताया एलन सॉरी ने कि टेरेसिटा बासा जिस अस्पताल में काम करती थी उसी अस्पताल में मैं भी काम करता था। उसका जब भी टीवी ख़राब होता था तो मैं उसके घर संभालने जाता था। उस दिन भी गया हुआ था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने देखा इसके पास ज्वेलरी रखी हुई है टेरेसिटा बासा के पास, तो मैं वो ज्वेलरी चुराने लगा। तभी तक टेरेसिटा बासा आ गई, उसने देख लिया तो मैंने अपनी बेइज्जती के कारण ये लोगों से बताया कि मेरी बेइज्जती होगी, उपहास उड़ाया जाएगा, इसलिए मैंने उसके शरीर पर पहले खंजर घोंप दिया सीने पर, इसके बाद उसको कारपेट में लपेटा और आग लगा दी, उसकी ज्वेलरी उठाई और ज्वेलरी लेकर मैं निकल आया। जब एलन सॉरी ने ये सारी बात कबूल कर ली तो कोर्ट ने एलन सॉरी को तुरंत ही 20 साल की जेल सजा सुना दी। इसके बाद एलन सॉरी से पूछा गया कि आप एकदम से अचानक कैसे बदल गए, अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमने मर्डर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया एलन सॉरी का टेरेसिटा बासा का। तो वो बोला कि जब मैं जेल में था तो मेरे पास टेरेसिटा बासा की आत्मा आई थी और उसने कहा था कि आप अपना जुर्म कबूल कर लो वरना आपको बुरे से बुरे परिणाम भुगतने होंगे। तो एलन सॉरी बोला कि इसी डर से मैंने ये जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने जुर्म किया, और मैंने किया भी है जुर्म। इसके बाद तमाम अधिकारियों और पुलिस वालों का इंटरव्यू हुआ, पूछा गया
तो उन्होंने बताया कि दुनिया का ये पहला केस है जिसमें पुलिस ने नहीं बल्कि एक आत्मा ने इस केस को सॉल्व किया है। इस केस पर एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम रखा गया है वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, और इस केस का नाम भी यही रखा गया था वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। ये मूवी 1996 में बनी हुई है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? ये एक सच्ची कहानी है, आप इसको गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं, टेरेसिटा भाषा की कहानी या वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर देना। तब तक के लिए जय हिंद।